राहुल एक बड़ा सा पिज्जा योगी जी के भी सामने रख दो, जल्दी से रखो इनके सामने, बेच पिज्जा रखो। राहुल अपने इस गांव में तुम सबसे अच्छा पिज्जा बनाना जानती हो और मुझे विशाल भंडारा कराना था। इस टाइम लोग पिज्जा खाना ज्यादा पसंद करते, इसीलिए मैंने विशाल भंडारे में पिज्जे का इंतजाम करा दिया। सब लोगों को एक एक पिज्जा बनाकर देते रहो। लेकिन मोदी जी बहुत ही गजब का पिज्जा है, पिज्जा खाते हुए बहुत मजा आ रहा है। ये बेच पिज्जा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे खाते हुए। भंडारे तो मैंने इतने खाए हैं, लेकिन किसी भी भंडारे में पिज्जा बिल्कुल नहीं खाया। मोदी जी मुझे पिज्जा कितनी देर में मिलेगा, मुझे तो कम से कम पिज्जा दिलवाओ। आप उधर सब लोगों को उस लाइन में सबको पिज्जा दिलवा रहे हो, कम से कम इधर तो देखो, इधर हमें किसी को भी पिज्जा नहीं मिला है, हम तो खाली चावल खा रहे हैं। अरे अमित शाह जी तुम भी बेफालतू का गदर मचाई हुई हो, थोड़ी देर रुको तो, पहले इस लाइन में सब लोगों को पिज्जा दिलवा दूं राहुल से, फिर तुम्हारी साइड में जो लोग बैठे हुए उन सब लोगों को पिज्जा मिलेगा। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, राहुल तेजी से पिज्जा बना नहीं पा रहा है। अगर ये तेजी से पिज्जा बना पाता तो सब लोगों को एकदम पिज्जा मिल जाता। अब देखो शिवराज सिंह जी, अखिलेश कितनी देर से पिज्जा खा रहे हैं, हमें पिज्जा खाने को अभी तक नहीं मिला। राहुल तुम बड़ा हल्के हल्के पिज्जा तैयार कर रहे हो, तुम तो कह रहे थे बहुत तेजी से पिज्जा बनाता हूँ मैं, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं भंडारे में सबको पिज्जा दूंगा, लेकिन तुम तो तेजी से पिज्जा बना ही नहीं पा रहे हो। अखिलेश एक पिज्जे का टुकड़ा तुम्हारा खाकर देखूं? कैसी बात करती हो मोदी जी, लो एक टुकड़ा खाकर देखो, आप ही के भंडारे का तो पिज्जा है, ये बहुत ही गजब का बेच पिज्जा है, बहुत मजा आ रहा है, सब्जी बहुत बड़ी हुई है इस पिज्जे में। लेकिन मोदी जी मैंने आपसे कहा था एकदम सब लोगों को मत बैठा लो, मत बैठा लो, अभी इतने पिज्जा तैयार नहीं है, एक पिज्जे को बनाने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं, और आपने भंडारे में एकदम सब लोगों को बैठा दिया, अब एकदम इतने पिज्जा तैयार थोड़ी थे, सबको एक एक करके पिज्जा बनाकर ही तो खिलाऊंगा। वैसे मोदी जी आपने जो ये विशाल भंडारा कराया है, इसमें मुझे पिज्जा मिले ना मिले मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस भंडारे में आपने जो चावल बनवाए जीरा फ्राई, ये बहुत अच्छे चावल लग रहे हैं खाते हुए। लालू जी आप पिज्जा खाओ मत खाओ, मैं तो बिना पिज्जा के बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है, और मोदी जी ने पिज्जे का विशाल भंडारा कराया इससे तो दिल खुश हो गया। बहन सोनिया जी इतनी भयंकर ठंड पड़ते हुए अपने गाँव में मैंने आज तक नहीं देखी, अपने गांव में कभी भी बर्फ नहीं पड़ी थी, इस बार तो बर्फ आसमान से बरस रही है। बहन सोनिया जी लकड़ी भी सारी की सारी जलने वाली है, राहुल जाओ कहीं से 2-4 लकड़ी बीन के ले आओ, नहीं तो ये आग बुझ जाएगी, फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी बेफालतू की बात तो करो मत, राहुल कहाँ से लकड़ी बीन के लाएगा, अभी तो राहुल ये लकड़ी बीन के लाया था, वो लकड़ी जल चुकी, आप जाओ कहीं से लकड़ी ढूंढ ढांड के लाओ। मोदी जी आपने जो छत बनाई थी चादर की, चादर में भी छेद हो गया, चादर के छेद में से बर्फ ऊपर से नीचे गिर रही है। मोदी जी इस बार की ठंड तो कटे से नहीं कट रही है, आग के सामने बैठे बैठे पूरा दिन हो जा रहा है और ऊपर से बर्फ की बरसात नहीं थम रही है। मम्मी जी मोदी जी को कहाँ पे लकड़ी ढूंढने के लिए भेजोगी, मैं ही 2-4 लकड़ी ढूंढ के ले आता हूँ। अरे मम्मी जी योगी जी आ रहे, योगी जी की जगह में अपना लोग लकड़ी जला रहे, कहीं ये कुछ बोले ना। अरे मोदी जी सोनिया जी ये लकड़ी कहाँ पर जला रहे हो, मेरी जगह में सारी की सारी मेरी जगह खराब कर दे रहे हो। अरे योगी जी 2-4 दिन की ठंड है, ठंड में आपकी इस जगह में लकड़ी जला के ठंड को काट रहे हैं, क्या करा जाए, लकड़ी जलाने से आपकी जगह बेकार थोड़ी हुई जा रही है कोई। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, जगह बेकार क्यों नहीं हो रही है, सारी की सारी मेरी जमीन काली कर दी आपने आग जला जला कर। योगी जी कैसी बात करते हो, 2-4 दिन की ये बर्फ और पड़ रही है, जैसी बर्फ पड़ना आसमान से बंद होगी हम आपकी इस जगह में लकड़ी जलाना बंद कर देंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। अरे अखिलेश कैसे फिर रहे हो? मोदी जी कैसा क्या फिर रहा हूँ, इस ठंड ने तो बुरा हाल कर रखा है, जलती हुई लकड़ी देखता फिर रहा था, आप लकड़ियां जला रहे हो, यहीं पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। बैठ जाओ अखिलेश, बैठने के लिए कोई मना ही नहीं है, आओ आग के सामने बैठ जाओ, तुमने तो स्वेटर वगैरह भी नहीं पहन रखी है, आओ जल्दी बैठ जाओ यहाँ आके। चलो मोदी जी कोई बात नहीं है, जब तक ठंड पड़ती है आप मेरी इस जगह में आराम से बैठ के लकड़ियां जलाते रहो और आराम से बैठ के ठंड को दूर करते रहो। योगी जी ये आपने बहुत अच्छी बात की, कोई बात नहीं हम यहीं पे रहेंगे जब तक ये ठंड खत्म नहीं हो जाती, इस बार तो ठंड का कहर चारों तरफ छाया हुआ है। बहन सोनिया जी सुबह से गाते गाते बिल्कुल गले में दर्द होने लगा और हारमोनियम बजाते बजाते उंगलियों में दर्द होने लगा,
लेकिन अभी तक मुश्किल से लोगों ने इनाम के 50 रुपए भी नहीं दिए। अरे बहन सोनिया जी, ये भाई साहब अपनी तरफ बड़े आ रहे हैं, इन्हीं से पैसे मिलेंगे लगता है। जाते हो परदेश जाते ही, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, गाने को तो सुन लो थोड़ा सा मेरे, गाने सुनने के बाद थोड़ा सा इनाम दे दो। बहन जी गाना सुनना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, गाने से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरी बस छूट गई है, दूसरी बस के इंतजार में खड़ा हुआ हूँ इस बस अड्डे पर। आपको अपने पैसे की पड़ी है, मेरी बस नहीं आ रही है दूसरी। तो भाई साहब आप इतनी चिंता क्यों करते हो, ये बताओ आपको कहाँ जाना है, कहाँ की जाने वाली बस के बारे में बताना है आपको, बताओ। हम तो रोज यही बस अड्डे पर ही रहती हैं, हमें पता है कि कौन सी बस कब आती है कब जाती है, बताओ आपको कहाँ जाना है। बहन जी मुझे अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद के लिए बस कब आएगी, कितने बजे आएगी, बताओ कुछ। लेकिन भाई साहब कुछ पैसे तो डालो इस हारमोनियम पे, तभी तो हम कुछ बताएंगे आपको कि बस कब आएगी कब नहीं आएगी। अहमदाबाद की बस तो बहुत जल्द आएगी, टाइम भी बता देती हूँ मैं आपको, लेकिन जेब तो ढीली करो कुछ। कैसी बात करती हो बहन जी, बस के बारे में जानकारी देने के लिए आप पैसे ले रही हो। अरे भाई साहब ये पैसे पैसे नहीं मांग रही हैं, ये गाने सुनने का जो इनाम है, इनाम इन्हें दे दो कुछ। अगर गाना सुनने के बाद खुशी से 2-4 रुपए दे दोगे तो कोई बात थोड़ी हो जाएगी, आपकी बस कब आएगी उसकी जानकारी भी ये दे देंगी। भाई साहब मैं आपसे नहीं बुलवा रहा हूँ, आप चुपचाप पैसे खड़े रहो, एक तो पैसे जेब में पैसे नहीं है। बहन जी कुछ तो बताओ, बस कब आएगी अहमदाबाद जाने वाली। पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे हो, हारमोनियम पे से पैसे क्यों उठा रहे हो। अरे ये हारमोनियम के पैसे गिर रहे थे, उन पैसों को मैं गिरने से बचा रहा हूँ, नहीं तो ये हारमोनियम से पैसे गिर जाते नीचे अभी। भाई साहब ज्यादा बातें मत बनाओ, हारमोनियम के पैसे ऐसे नहीं गिरने देते हम। क्यों बहन सोनिया जी आपको पैसे नहीं देना है, चलो मत दो। बहन सोनिया जी इनकी बस कब आएगी ये बता दो, हम कोई आपसे ऐसी पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, अपना इनाम मांग रहे हैं गाना सुनाने का। अरे लो तो बहन जी 10 का नोट ले लो। चलो भाई साहब आपने 10 का नोट तो दे दिया, लेकिन आपको एक बहुत बुरी खबर बताऊं, आज तो अहमदाबाद जाने वाली बस आएगी नहीं, आज पूरा दिन आपको यही रहना पड़ेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।